ये हम जो इंसान होते हैं ना, ये वैक्यूम क्लीनर जैसे होते हैं, कितनी भी कोशिश कर लें कमी रह जाती है। अरे आप में कोई कमी नहीं है सर, आप दोनों तो कमाल के हैं और आपका दिमाग तो और भी कमाल का है सर। कितने आसानी से आपने हम सबको चकमा दे दिया सर, कितने आसानी से। अरे क्या हो गया आपको, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं मेरे बेवकूफ बॉस? बेवकूफ? हाँ बिल्कुल सही कहा सर, मैं बेवकूफ ही हूँ, मैं तो हूँ ही। सॉरी सर। याद रहे आज के बाद चेयरमैन को जो इज्जत दी जाती है वो अब से तुम सर को दोगे। जी। ऐसे मुंह मत लटकाओ, सबके सामने तुम ही चेयरमैन हो। हाँ सर, लेकिन पता चलने के बाद भी आपको इज्जत ना दे ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मिस जोई, मैंने सुना है कि आपको प्रोसिक्यूशन सर्विस की कुर्सी चाहिए। हाँ सर। उसके लिए कितनों को खरीदना है मुझे उसकी पूरी लिस्ट चाहिए, उनकी कीमत भी लिख देना। लिस्ट देखकर मैं उन सबको खरीद लूंगा। हो जाएगा सर, आपको जल्दी लिस्ट मिल जाएगी। चलो तो फिर ये मामला खत्म। कल कोर्ट में बहुत तमाशा हो गया, तुम तो कल कुछ संभाल नहीं पाए। देखो आजकल वुसांग फर्म अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, फिर भी इन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। I'm sorry, sir. वादा करती हूँ अब वो चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। मैंने सुना है कि आप अपने पुराने काम पर छुरियां चलाती थी, पर जब विंचेंजो आएगा तो लड़ने के लिए अपने साथ तलवार लेकर आएगा। लगता है आप उसके बारे में काफी कुछ जानते हैं। जानना तो पड़ेगा ये, आखिर वही तो है जिसने मेरे गोदाम को उड़ा दिया था। मेरे तकिए में उसी ने 50 सिरिंज खोप दिए थे। अगर उसे खामोश ना कर सको तो मिस्टर हांग और उन रिसर्चर्स की तरह उसका भी मुंह हमेशा के लिए बंद कर देना। तो समझ गई ना? समझ गई सर, आप फिक्र मत कीजिए। बढ़िया।